अनदर डे सेम व्लॉग। आप लोगों को जैसे पता है कल मैं यहाँ पे रुका था, ये देख सकते हो। तो अभी मेरा बैग वैग पैक हो चुका है एंड मैं रेडी हो चुका हूँ निकलने के लिए यहाँ से नागालैंड, जो कि यहाँ से 400 समथिंग किलोमीटर है। मॉन विलेज में जा रहा हूँ। तो अभी ये जो मेरा भाई है ऋषभ, ये नहीं जा रहा है बिकॉज ये बोल रहा है कि मेरे से नहीं हो पाएगा जर्नी, ये ट्रैवल जर्नी। तो इसीलिए ये इसका सफ़र यहीं तक था। ये मेरे को बस छोड़ने आया था गुवाहाटी में। इतना रिक्वेस्ट किया इसको कि चल ले भाई चल ले, बट नहीं, क्यों नहीं जा रहा है यार, चल लेना। प्रिपेयर नहीं है। अरे यार चलो ठीक है, कोई नहीं। तो इसका और मेरा सफ़र यहीं तक था। ये यहाँ से रिटर्न हो जाएगा पटना के लिए एंड मैं अभी एडवेंचर करूँगा, एज यू नो कि आपका भाई एडवेंचर करने में कितना आगे। ओके भैया, बाय बाय, बहुत बहुत अच्छा लगा मिलके। आपका होटल का नाम क्या है? होटल के। अच्छा, तो मैं इन भैया के होटल में रुका था। डिसेंट होटल है, अगर आप बजट में देख रहे हो, होटल सर्च कर रहे हो तो यहाँ पे रुक सकते हो। तो चलो अभी चलते हैं नीचे। तो अभी मैं रोड पे निकल चुका हूँ एंड यहाँ से मुझे सिटी बस देखना है खानापाड़ा के लिए। तो लाइक खानापाड़ा अगर आप निकल गए तो हाईवे पे निकल गए। तो हाईवे पे निकल के उसके बाद ट्राई करते हिचाइक। एंड मेरे साथ इस बार इस ट्रिप पे, नागालैंड ट्रिप पे, तीन लोग और हैं। एक वो जो ऋषभ है वो हाना में है जाए, लाइक उसका माइंड था पहले जाऊं या ना जाऊं, फिर लास्टली वो डिसाइड किया कि हाँ चलो चलते हैं। एंड दो लोग और हैं, एक सागर। आप लोग ने अगर पुष्कर वाली वीडियो देखी होगी तो आप लोग को पता होगा कि सागर मेरे साथ था पुष्कर वाली वीडियो में। तो ये रहा मेरे पीछे भाई लोग, इससे मिलो। ये सागर, ये सागर 0.2, ये ऋषभ। तो इसका भी मूड बन चुका है अभी नागालैंड जाने का हमारे साथ। तो अभी हम सारे लोग मिलके चल रहे हैं यहाँ से नागालैंड। खाना पड़ा जाएगी कितना कितना? तो गाइस ये रही बस, मिल चुकी है हमें खानापाड़ा तक के लिए। भैया खानापाड़ा कितना किलोमीटर है यहाँ से? 14 किलोमीटर। 14? तो वो हाईवे निकल जाएगा ना, हाईवे वाला रूट, हाईवे वहाँ से हम लोग जोरहाट वगैरह जा सकते हैं। ये बस कहाँ तक जाती है? खानापाड़ा। चलो तो गाइस बस मिल चुकी है हमें एंड अभी चलते हैं खानापाड़ा तक, फिर वहाँ से उतर के हिचहाइक ट्राई करने वाले हैं। तो फाइनली हम उतर चुके हैं बस से एंड अभी यहाँ से अलग अलग ट्राई करने वाले हैं हिचहाइक, बिकॉज आप लोग को पता है इतने सारे बंदों को एक साथ लिफ्ट नहीं मिल पाएगा। तो अभी हम लोग सारे लोग चल रहे हैं हाईवे पे। अभी दो लोग का पेयर होगा, मैं और सागर जा रहे हैं और एक ऋषभ और एक और भाई है, तो वो दोनों साथ जाएंगे, हम दोनों साथ। पिछले बार भी जब नॉर्थ ईस्ट जब मैं आया था गुवाहाटी में, तो इसी रोड पे हिचहाइकिंग ट्राई की थी, यादें ताज़ा हो गई कसम से। तो अभी मैं और सागर ट्राई कर रहे हैं यहाँ से लिफ्ट, वो दोनों भाई उधर गए, बिकॉज ऐसे इजी हो जाता है दो लोग को लिफ्ट मिलना। दो लोग का भी थोड़ा मुश्किल है बट स्टिल वी कैन ट्राई अवर बेस्ट। अरे इसको मत रोक यार, ट्रक वाले से पूछ, ट्रक वाले से। तो मैं अभी ट्रैवल करने वाला हूँ नागालैंड के मॉन डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ पे अभी होने वाला है 1 तारीख से फेस्टिवल। फेस्टिवल का नाम मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा, इस व्लॉग में पूरा हिचहाइकिंग का कवर रहेगा, हिचहाइकिंग पार्ट। तो चलो अभी ट्राई करते हैं, सागर अभी यहाँ से लिफ्ट मांग रहा है। तो भाई साहब आज की फर्स्ट लिफ्ट मिल चुकी है, तो ये 10 किलोमीटर तक की लिफ्ट मिली है। अब इंजॉय करते हैं राइड, उसके बाद फिर से ट्राई करेंगे दूसरी हिचहाइक। बाय बाय, थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारी आज की पहली लिफ्ट। सो गाइस रेडी फॉर द एडवेंचर? यो, तो चलो अभी हम लोग यहाँ से ट्राई करते हैं लिफ्ट का। लाइक ऑटो वाला जो आया था तो वो शिलोंग के साइड जा रहा था, बट हम लोग को जाना है इस रूट में। एक डेस्टिनेशन हमने चूज कर लिया है कि आज रात यहाँ पे मिलते हैं। तो चलो बने रहना व्लॉग में, बहुत मजा आने वाला है हमारे साथ, इंजॉय करो चेकिंग का वीडियो। गाइस आज की दूसरी लिफ्ट मिल चुकी है, भाई ने दिए। भाई आपका नाम? नाम समर राज। समर राज, थैंक यू सो मच। तो भाई 7 किलोमीटर तक जा रहे हैं, तो वहाँ की लिफ्ट मिली है 7 किलोमीटर तक का। तो भाई के साथ राइड इंजॉय करते हैं। ये वाला रोड स्ट्रेट जाता है ना जोरहाट? ठीक है, थैंक यू सो मच। तो गाइस ये थे भाई जिन्होंने मुझे 7 किलोमीटर तक ड्रॉप किया है। अब यहाँ से ट्राई करेंगे दूसरे लिफ्ट का। तो मज़ा आ रहा है ऐसे ट्रैवल करके। अब मैं अकेला हो गया हूँ, सागर रहे पीछे, बिकॉज मेरे को बाइक में लिफ्ट मिला था। तो अब ट्राई करते हैं लिफ्ट का यहाँ से जोरहाट तक का। जर्नी यहीं तक था। तो भैया थैंक यू सो मच, अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। यही वाला रोड जाएगा ना सीधा? ठीक है, थैंक यू सो मच। जिधर मुझे जाना है मॉन विलेज, यहाँ से उसका डिस्टेंस है 410 किलोमीटर।
तो होप मोस्ट प्रोबेबली आज तो नहीं पहुंच पाएंगे, बस इंडिया में रोड अच्छा भी क्यों ना हो लेकिन 400 किलोमीटर आपका एक दिन में कवर नहीं हो पाता है। देखते हैं जहां तक कवर हो पाएगा। लास्ट डेस्टिनेशन हम लोग ने रखा है जोरहाट तक का, तो मोस्ट होप प्रोबेबली जोरहाट तक आज पहुंच जाए शाम होते होते तक। यहां से जोरहाट का रास्ता है लाइक 270 किलोमीटर होगा यहां से। तो चलो अभी ट्राई करते हैं यहां से फिर से हिचाई। गाड़ी फिर से रुकी है बहुत दूर जाके यार। मैं तो लाइक ट्रैवल कर रहा हूँ नागालैंड के साइड जोरहाट तक जाऊंगा। आप? अगर मैं जागी रोड तक छोड़ दूंगा। जागी रोड तक कितना किलोमीटर है? 10-15 किलोमीटर। तो गाइस 10-15 किलोमीटर की फिर से लिफ्ट मिल गई है, वो भी बाइक पे। आज बाइक पे सफर है। तो भैया थैंक यू सो मच। आपका नाम? संजय कुमार दास। कहाँ से हो आप? मैं सोनापुर से हूँ। सोनापुर। अच्छा थैंक यू सो मच। मैं अभी पहुँच चुका हूँ भैया के साथ जागी रोड पे, एंड वहाँ से जागी रोड का सफ़र लाइक 17 किलोमीटर तक था। तो अभी चलो फिर से ट्राई करते हैं यहाँ से लिफ्ट लेने का। तो भाई आज जितनी भी लिफ्ट मिली है मोस्टली उसमें से बाइक वालों ने लिफ्ट दी है। तो होता क्या है कि बहुत ज़्यादा मेरा शोल्डर जो है ना पेन करने लगता है। पहले मेरा वेट हुआ करता था 11 से 12 किलो बैक का, अभी हो गया है वही 15-16 किलो हो गया होगा। तो अभी यहाँ से फिर से ट्राई करते हैं हिचाइक, एंड अभी उनको कॉल किया था मैंने तो उनको 80 किलोमीटर तक की लिफ्ट मिली है। तो नॉर्थ ईस्ट में यार ट्रैवल करना हिचाइक के थ्रू बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप भी ट्रैवल कर सकते हो। तो चलो अभी ट्राई करते हैं यहाँ से दूसरी लिफ्ट का। ये मेरी फोर्थ लिफ्ट है बाइक से जो कि भैया ने दी है नौगांव तक के लिए। भैया आपका नाम क्या है? नयन। थैंक यू सो मच। आप कहाँ से हो? नौगांव से ही हो। अच्छा तो भैया नौगांव से ही है, 80 किलोमीटर तक का लिफ्ट मिला है। इंजॉय करते हैं भैया के साथ राइड। I play so strong with a knife in the back, I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, don't need no cap, I'm a ride. भैया के साथ राइड करके बहुत ज्यादा मजा आ गया, एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक लाने के लिए। तो यहाँ से नौगांव हम लोग पहुँच चुके हैं। हाँ नौगांव पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट। ओके टाउन जाना है तो इधर से जाना पड़ेगा? नहीं नहीं हाँ अगर हाईवे से जाना है तो ये वाला। ठीक है थैंक यू सो मच। कुछ खाना बना है तो यहाँ पे खा लीजिए। अरे हाँ हो जाएगा। ठीक है बाय बाय। तो अभी मैं रुका था कुछ मिनट के लिए यहाँ पे पीछे कॉफ़ी पीने के लिए, बस बहुत ज़्यादा थक गया था, टायर्ड फील कर रहा था। तो ये वाला जो दो रोड है यहाँ से कटता है, एक जाता है नौगांव सिटी एंड एक जाता है जोरहाट के साइड। तो अभी यहाँ से ट्राई करते हैं फिर से लिफ्ट लेना टू जोरहाट। जोरहाट यहाँ से 210 किलोमीटर शो कर रहा है मैप में। हेलो सर जी। सर जी आप कहाँ जा रहे हो? आपको बोरघाट तक जाएगा। बोरघाट? हाँ। आप ड्रॉप कर दोगे? आप कहाँ जाना है? मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रहा हूँ लिफ्ट लेके, पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ से अभी आप छोड़ दोगे 12 किलोमीटर के जैसे जाना हो छोड़ दोगे आप? थैंक यू सो मच। तो गाइस लिफ्ट मिल गई है, सर जी ने दिया, अभी बैग वगैरह रखते हैं एंड उसके बाद आप लोग को मिलवाते हैं। थैंक यू सो मच। बाइक से लिफ्ट मिलने के बाद लास्टली मेरे को कार में लिफ्ट मिली है, सर जी ने कार रोका। तो थैंक यू सो मच। आपका नाम? रही वाली। थैंक यू सो मच सर जी। मेरा एंड अंकल का सफर यहीं तक था। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा। यहाँ से मैं ये वाला स्ट्रेट जाएगा ना? यही जाएगा, यही रास्ता, यही पूरा स्ट्रेट है जोरहाट तक का। जोरहाट तक जाएगा। सर जी ने मुझे चाय पे इनवाइट किया है, तो थैंक यू सो मच सर जी इस चीज के लिए। ये चाय में मलाई भी खाते है? मलाई चाय के ऊपर? मलाई अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। बोलता है मलाई चाय। क्या बोलता है? मलाई ला चाय लाओ। अच्छा मलाई मार के वही चाय यही है। तो अभी मलाई चाय पीते हैं, उसके बाद अपने जर्नी पे निकलते हैं वे टू नागालैंड। मलाई वाली चाय पी के वाकई में मजा आ गया। तो चलो अभी ट्राई करते हैं दूसरी लिफ्ट यहाँ से जोरहाट तक के लिए। मैं सबको भी बोल रहा हूँ कि जोरहाट जाना है मुझे, और जोरहाट से एक रूट कटता है यहाँ से। अगर नागालैंड आपको जाना हो तो दीमापुर यहाँ से नज़दीक है, लाइक नालबारी से दीमापुर आप जा सकते हो। बट मेरे को मौन विलेज जाना है, तो ये घूम के जाता है पूरा आसाम बॉर्डर टच करके मौन विलेज जाता है। तो यहाँ से अब मौन विलेज का डिस्टेंस बच गया है 350 किलोमीटर्स ओनली। चलते चलते अभी मुझे भाई लोग मिले हैं, तो भाई लोग भी ट्रैवलर्स हैं। यहाँ पे मैं लिफ्ट मांग रहा था, हिचाइक कर रहा था, बट भाई लोग ऑलरेडी यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं बाइक से। तो ये रहे एक भाई, एंड वो हाय बोल दो सारे। हेलो भाई, अपन लोग भी हिचाइक कर ही हैं, लेकिन अभी भाई साहब ने होस्ट किया तो ये उनकी बाइक। अच्छा इन्होंने होस्ट किया आपको? बिल्कुल।
तो आप कहाँ से हो? मैं हूँ छत्तीसगढ़ से, रायपुर। आप? मैं पंजाब बठिंडा। और आप? मैं तो नलबरी का, अभी नौगांव में हूँ। नौगांव, आसाम से हूँ मैं बेसिकली। तो ये तीनों भाई, अभी मैं लिफ्ट मांग रहा था तो ये मुझे मिले, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है ऐसे आपको जब ट्रैवलर मिलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। आऊंगा ना आपके बिहू फेस्टिवल में आने वाले। आना। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मिलके भाई लोग से, खुशी होता है यार ऐसे अपना ट्रैवल कम्युनिटी बूस्ट हो रहा है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक भाई मुझे जानते थे, मैं वो उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है, मैंने बोला नोमैड नक्श, तो बोले नोमैड नक्श, तो हम बोले हाँ हाँ। तो वो जानते थे ऐसे कि प्रशांत के वीडियोस के थ्रू वो मुझे जानते थे। तो चलो अभी यहाँ से ट्राई करते हैं हिचाई। रोक दे भाई। तो अभी जाके ट्रक में लिफ्ट मिली है भाई लोग मिली है। भाई आपका नाम? चंदन साहू। आपका? मैं मंतो देखा। एंड आपका? मैं मनोज गैसवाल। थैंक यू आप सभी का। आप लोग कहाँ तक जा रहे हो? हम लोग गोलाघाट है। गोलाघाट, तो गोलाघाट तक के लिए लिफ्ट मिली है। यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? आपका 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर तक की लिफ्ट मिली है। इंजॉय करते हैं भैया लोग के साथ। थैंक यू सो मच। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ से अभी पूरा काजीरंगा पार्क स्टार्ट हो जाता है। ये पूरा जंगल है एरिया, तो यहाँ जानवर वगैरह निकलते हैं? निकल जाता है। मेरा एंड भैया का सफ़र यहीं तक था, तो बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा मिलके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये भाई तो सो गया है, पूरा सो गया। तो चलो अभी उतरते हैं यहाँ से। ये लोग थे ट्रक वाले भैया जिन्होंने मुझे गोलाघाट तक ड्रॉप किया है। 80 किलोमीटर मैं आगे आ चुका हूँ। अब यहाँ से ट्राई करना है जोरहाट के लिए। तो जोरहाट यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। अभी बज रहे हैं शाम के 4। अभी मुझे ना लग रही है भूख, बट मैं सोच रहा हूँ कि जोरहाट पहुँच के ही खाते हैं, बिकॉज अगर मैं अभी खाने रुका तो फिर लेट हो जाएगा एंड रात होगा, तो कोई मतलब नहीं बनता है, लिफ्ट मिलेगा ही नहीं, फिर मुझे बस पकड़ के वही जोरहाट पहुँचना पड़ेगा। तो पहले चलते हैं जोरहाट एंड उसके बाद वहाँ पे करेंगे ब्रेकफास्ट प्लस लंच ब्रंच, शाम का होगा नाश्ता वो। पूरे 15 मिनट वेट करने के बाद फाइनली लिफ्ट मिली है। भैया जा रहे हैं गोलाघाट, तो थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या हुआ? वरुण। वरुण, थैंक यू सो मच। आप आसाम से हो? हाँ, यही से हूँ, गोलाघाट। गोलाघाट से, तो थैंक यू सो मच। कितना किलोमीटर होगा अभी? ज़्यादा नहीं है, 20 किलोमीटर। तो चलो भैया के साथ अभी राइड इंजॉय करते हैं 20 किलोमीटर की। यहाँ से जोरहाट है 50 किलोमीटर होगा, है ना? भैया ने मुझे यहाँ तक ड्रॉप किया है। ये वाला जो रोड है कहाँ जा रहा है? ये वाला गोलाघाट। और ये जोरहाट। अच्छा, ये दीमापुर भी निकलता है? ओके ओके। मेरे को तो नागालैंड जाना है बट दीमापुर होके नहीं जाऊंगा, क्योंकि जहाँ मैं जा रहा हूँ मौन जा रहा हूँ, मौन विलेज। हाँ, तो ये जो रूट है ना, सोनारी सही है, सोनारी। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, हैप्पी जर्नी। या मेरे पास थोड़ा पूरे में क्या हुआ? अच्छा, फूड है आपके पास? हाँ, नहीं मैंने फूल ले लिया। अच्छा, हाफ ऑर्डर डेट है, फूल ले लिया, तो आधा मैंने पैक किया। तो कोई नहीं, थैंक यू इस चीज़ के लिए, बुरा मत मानिए। हाँ, नहीं नहीं, ये थे भैया, वो भी एक ट्रैवलर हैं, तो वो मुझे थोड़ा 10 किलोमीटर तक ड्रॉप किया है उन्होंने। अब यहाँ से ट्राई करते हैं जोरहाट का लिफ्ट मांगना। देख सकते हो शाम होने को है एंड जो सागर है वो पहुँच चुका है जोरहाट, वो वेट कर रहा है मेरा। अभी ऐसा पता नहीं है कब मैं पहुँचूँगा कब नहीं, तो चलो पहले जल्दी ट्राई करते हैं हिचाइक एंड उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं जोरहाट। भैया जी ने मुझे मेरे डेस्टिनेशन पे छोड़ा है यहां पे आके। भैया जी का घर पीछे था 2-4 किलोमीटर, तो उन्होंने मेरे लोकेशन पे छोड़ा है मेरे को, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे मिलकर। तेजपुर आऊँगा तो पक्का मिलूंगा। थैंक यू सो मच। फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूं जोरहाट एंड अभी यहां पे मेरे को खाने का एंड रहने का प्लेस देखना है। तो ये रहा सागर भाई, ये पहले से ऑलरेडी पहुंच चुका है। गुवाहाटी से हम 4 लोग चले थे जैसे आपको पता होगा, तो मैं और सागर अभी यहीं तक पहुंचे हैं और जो 2 लोग थे वो बैकआउट हो गए हैं। उनको ट्रैवल नहीं करना था, हिचाइक नहीं मिल रहा था, तो वो लोग बोले कि हम इधर से जा रहे हैं, कभी और आएंगे। तो मैं बोला चलो ठीक है, ये भी सही है। तो चलो अभी ढूंढते हैं यहाँ पे कैंपिंग का प्लेस। बहुत तेज भूख लगा है, सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया, बस चाय वगैरह पिया था। मैं सोने की जगह मिल गई है, तो यहाँ पे आज सोने वाले हैं कैंप पिच करके। ये रही आंटी, यहाँ की ओनर, एंड भैया जी
तो थैंक यू सो मच सोने का जगह देने के लिए आप लोग को। एंड ये भी भैया हमारे बिहार से हैं तो हमें मिल गए यहाँ पे। तो हम सीन हुआ क्या कि हम लोग आ रहे थे तो बाईपास पे एक मेरे को ढाबा दिखा। ये होटल का क्या नाम है ढाबे का? बाबू मैना होटल। तो बाबू मैना होटल दिखा, नाम एक्चुअली हमने पढ़ा नहीं बिकॉज रात हो रहा है। तो लाइक हम लोग यहाँ आए, फिर आंटी से हमने बात किया तो लाइक आंटी मान गई। एंड फिर हमने ये ऑर्डर किया था लाल चाय, तो आंटी अपने तरफ से एडिशनल मीठा लेके आई है एंड नमकीन। तो इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज जो मेरा डेस्टिनेशन था लाइक जोरहट पहुँचने का, 300 किलोमीटर आज सफ़र मैंने तय किया है लाइक एक दिन में। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को कि हाँ फाइनली जोरहट तक पहुँच गए। अब कल यहाँ से मेरे को निकलना है मौन डिस्ट्रिक्ट जो कि यहाँ से 150 किलोमीटर है। तो चलो अब मिलते हैं कल, ये वाला व्लॉग यहीं तक रहने देते हैं। एंड टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। बाय बाय बोल दो सारे। Bye bye.